नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्व मित्र। मसला है कि क्या 2024 में बीजेपी को टक्कर देने के लिए या पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए विपक्ष एकजुट हो सकता है? क्या नीतीश कुमार जो इस मिशन पर निकले हैं उसमें कामयाब हो जाएंगे? जैसा नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही बोला था कि बीजेपी 50 सीटों पर सिमट जाएगी अगर विपक्ष मिलकर लड़ता है तो। आपको पता है कल ही वो राहुल गांधी से मिले रात को, आज दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला से भी उन्होंने मुलाकात की। कुछ दिन पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने नीतीश कुमार और लालू यादव से मुलाकात की थी। मतलब कोशिशें तेज हो गई हैं कि 2024 से पहले विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ एकजुट किया जाए, लेकिन इसमें कामयाबी कितनी मिलती है उसको लेकर कई सवाल हैं। मतलब 2024 में प्रधानमंत्री पद को लेकर विपक्ष में भी कई सारे दावेदार हैं, तो वो सब इकट्ठे कैसे होंगे? कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, आपकी ओर से केजरीवाल, टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी, वहीं नीतीश कुमार खुद। हालांकि नीतीश कुमार ने बोल दिया है कि ना तो वो दावेदार हैं पीएम पद के और ना ही किसी तरह की उन्हें लालसा है। अब अगर उन्हें नहीं है तो बाकियों में से तो कईयों को है। अरविंद केजरीवाल तो पूरी ताकत के साथ इस मिशन में लग गए हैं, यानी उनका कैंपेन शुरू हो गया है। उनकी पार्टी तो पूरा जोर लगा के कह रही है कि 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा। वहीं ममता बनर्जी ने भी कुछ समय पहले ऐसा ही कैंपेन शुरू किया था। उधर कांग्रेस को लगता है कि पीएम उम्मीदवार तो उन्हीं की पार्टी से होना चाहिए, यानी 2024 में मोदी वर्सेस राहुल गांधी। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि विपक्ष के एकजुट होने के बारे में, वो यही कि पीएम पद के दावेदार को लेकर मामला फिर बिगड़ सकता है कि 2024 में मोदी के सामने कौन, किसको सामने रखकर विपक्ष मैदान में उतरेगा। इस पीएम पद के दावेदार के मामले पर कुछ पार्टियां किनारा कर लेंगी, जैसे कि आम आदमी पार्टी को ही ले लो। केजरीवाल कभी भी राहुल गांधी के नाम पर सहमत नहीं होंगे ऐसा लग रहा है। नीतीश कुमार तो फिर भी हो सकते हैं, लेकिन केजरीवाल और ममता बनर्जी राहुल गांधी के नाम पर शायद किनारा कर जाएं। वहीं कांग्रेस ये तो चाहेगी कि विपक्ष मिलकर लड़े, लेकिन पीएम पद के दावेदार पर वो किसी और के नाम पर सहमत नहीं होगी, यानी केजरीवाल, ममता बनर्जी या फिर नीतीश कुमार। तो फिर विपक्ष एकजुट कैसे होगा? विपक्ष को लगता है कि पिछली बार बीजेपी तकरीबन तीसरा हिस्सा वोट लेकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई और दो बार सरकार बना ली। विपक्ष को लगता है कि तकरीबन 60-62 प्रतिशत लोग बीजेपी को नहीं चाहते, तो फिर विपक्ष की बात बन सकती है अगर सही से गठजोड़ हो जाए तो। लेकिन बाकी सवाल तो बाद के हैं, पीएम पद को लेकर ही बात बिगड़ जाएगी। वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, उसको लेकर भी विपक्ष को लगता है कि अगर सभी एक साथ जुड़ जाएं तो माहौल सा बन जाएगा, मतलब लहर सी शुरू हो जाएगी। खैर, विपक्ष अगर एकजुट नहीं हुआ, ममता अलग लड़ेगी, केजरीवाल अलग लड़ेंगे, कांग्रेस अलग, अखिलेश अलग, केसीआर अलग, तो फिर बीजेपी के लिए एक बार फिर आसान हो जाएगा 2024 का दंगल। वहीं लोकसभा से पहले इसी साल के अंत में गुजरात और हिमाचल का चुनाव और अगले साल राजस्थान का चुनाव भी फैसला करेगा कि 2024 में क्या होगा और विपक्ष क्या एक साथ आ पाएगा या नहीं। बाकी आपको क्या लगता है, जो नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं, उधर केसीआर भी कोशिश कर रहे हैं, इससे पहले भी कोशिशें हुई हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये जो पार्टियां हैं ये इकट्ठा होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी? जो स्टेट में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, क्या ये सारे इकट्ठे होकर पीएम मोदी के खिलाफ लड़ेंगे, एकजुट हो जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और आपको क्या लगता है पीएम दावेदार पद को लेकर भी? आपने अपनी राय देनी है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि तमाम लोगों तक पहुंचे और वो लोग भी अपनी राय दे सकें। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला, सही एनालिसिस आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने द मसला चैनल को
लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लेना है फेसबुक यूट्यूब पर, ताकि जो हमारी अगली वीडियो होगी वो आप लोगों तक पहुंच जाए। फिर मिलेंगे अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।